अब आगे बढ़ते हैं, एक शायर से और मुलाकात कर लें और उसके बाद मैं नौजवानों की मौजूदगी का भी मुझे अंदाजा है और नौजवानों के धड़कन को भी मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए वो काम करूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल एक शायर का इस्तकबाल करना है और वो इसलिए कि अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। एक काम करते हैं आवाम को बेदार करने के लिए, एक शायर को आवाज देता हूं और नादिम नदीम से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नादिम नदीम। अस्सलाम वालेकुम। हो गया सदर साहिबा की इजाजत से शुरू करूं। एक मतला एक शेर सुनिए। हेलो, मतलब सुनिए कि उसे बातों में इस दर्जा लगाया जा रहा है। शेर पूरा होने दो फिर सुन। उसे बातों में इस दर्जा लगाया जा रहा है, बिना मतलब ही कब क्यों क्या लगाया जा रहा है। उसे बातों में इस दर्जा लगाया जा रहा है, बिना मतलब ही कब क्यों क्या लगाया जा रहा है। और अजब हालत है अब तो सिर्फ कॉलर ट्यून सुन के। अजब हालत है अब तो सिर्फ कॉलर ट्यून सुन के हमारे दिल का अंदाजा लगाया जा रहा है। अजब हालत है अब तो सिर्फ कॉलर ट्यून सुन के हमारे दिल का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक मतलब एक शेर और सुनिए कि जिंदगी की अजब कहानी है। जिंदगी की अजब कहानी है, प्यासा दिल और आंख पानी है। वाह। जिंदगी की अजब कहानी है, प्यासा दिल और आंख पानी है। इतनी जल्दी मेरे करीब आना। मेरे मजे मत लो, शेर के मजे लो। हाँ शेर सुनो के पहले आप शांत हो जाएं फिर मैं शेर। शेर सुनिए कि इतनी जल्दी मेरे करीब आना, इतनी जल्दी मेरे करीब आना, ये मोहब्बत नहीं जवानी है। वाह। इतनी जल्दी मेरे करीब आना, क्या कहना, ये मोहब्बत नहीं जवानी है। ये गजल के चंद अशआर सुनिए कि कल मैं जब उन लबों से गुजरा हूँ, कल मैं जब उन लबों से गुजरा हूँ, कितनी दुश्वारियों से गुजरा हूँ। वाह 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 वाह। कल मैं जब उन लबों से गुजरा हूँ, कितनी दुश्वारियों से गुजरा हूँ, शहर का शहर जानता है मुझे, शहर का शहर जानता है मुझे, सारे अच्छे बुरों से गुजरा हूँ। वाह 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 वाह। शहर का शहर जानता है मुझे, सारे अच्छे बुरों से गुजरा हूँ, क्या कहना। और एक शेर और सुने के मौत क्या है ये जानता हूँ मैं, मौत क्या है ये जानता हूँ मैं, मौत क्या है ये जानता हूँ मैं तेरे रास्तों से गुजरा हूँ। वाह वाह वाह। मौत क्या है ये जानता हूँ मैं तेरे रास्तों से गुजरा हूँ। आखिरी शेर सुनिए गजल का के क्या गजब जिस्म था ये मत पूछो, क्या गजब जिस्म था ये मत पूछो, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ मेरे भाई। शेर सुनो, क्या गजब जिस्म था ये मत पूछो, मैं हंसी वादियों से गुजरा हूँ। वाह। क्या गजब जिस्म था ये मत पूछो, मैं हंसी वादियों से गुजरा हूँ। एक गजल के चंद अशआर और सुनिए, उसके बाद फिर अपनी जगह लूंगा। अच्छा अच्छा चलिए फैसला कर लेते हैं, एक मतला एक शेर, ठीक है, एक मतला एक शेर बस। नदीम साहब एक मतला एक शेर पेश करेंगे, इसको अच्छे से सुन लीजिए ताकि ये अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाए। शेर सुनिए कि दिन किसी से मेरे अच्छे नहीं देखे जाते। जी। दिन किसी से मेरे अच्छे नहीं देखे जाते, शाख पे लोगों से पत्ते नहीं देखे जाते। वाह वाह। शाख पे लोगों से पत्ते नहीं देखे जाते, मान ले बात
ये आंखों से हटा दे काजल। ओहो मान ले बात, ये आंखों से हटा दे काजल, हमसे दरियाओं पे पहरे नहीं देखे जाते। वाह वाह वाह। अब आखिर में एक मतलब एक शेर और, मैं ऑडियंस की नजर करके जाऊंगा उसके बाद। मतलब सुनिए कि एक मिनट सुन लीजिए, मेरे भाई का शेर है, तालिब भाई, तालिब तूफानी मेरे भाई, उनका शेर है कि गमों की रात का अपना मजा है, मियां बरसात का अपना मजा है, और बहुत सी हैं जगह रहने की यूं तो, मगर औकात का अपना मजा है। वाह वाह वाह।